या फ्रेंड आपने पैन कार्ड में गलती से अपने नाम के जगह किसी दूसरे के नाम चले आए हैं, या फिर आपने पैन कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर फ्रेंड आपने पैन कार्ड में अपने नाम चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए क्या आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, क्या ये आप खुद कर पाएंगे, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन क्या है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो आप हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब देबाशीष में। फ्रेंड अपने पैन कार्ड में अगर आपके नाम गलत आते हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होता है या फिर आप अपने पैन कार्ड का नाम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। पैन कार्ड का नाम चेंज करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए हम सभी लोग ऑनलाइन कैफे में जाते हैं या फिर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, और इसमें जो चार्ज होता है वो चार्ज से 200 से 300 रुपया ले लेता है। बट फ्रेंड आपने कभी सोचा है कि ये पैन कार्ड का जो नेम चेंज है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो काम आप खुद कर पाएंगे? जी हाँ फ्रेंड, ये पैन कार्ड का जो चेंजेस वगैरह है वो सारी चीज़ आप खुद कर पाएंगे, और इसका जो चार्ज होगा वो चार्ज भी बहुत कम है। फ्रेंड चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये चेंजेस वगैरह आप कैसे कर पाएंगे और इसका जो चार्ज है वो कितना लगेगा और किन किन ऑप्शन में आप ये पेमेंट जो है ये पेमेंट आप दे सकते हैं। फ्रेंड वो जानने से पहले हमेशा की तरह आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि आप अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम मोबाइल कंप्यूटर अपने से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई वीडियो बनाते रहते हैं और यूट्यूब में देते रहते हैं। तो फ्रेंड ये सब्सक्राइब आप कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड आप जो वीडियो हमारी देख रहे हैं उसके नीचे देखिए एक रेड कलर की सब्सक्राइब लिखा है। फ्रेंड आप उस रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड आप जैसे ही रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अलार्म आइकन दिखाई देगा। आप उस अलार्म आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि हम जो नए वीडियो यूट्यूब में देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड बिना समय गवाए आप हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड आप अगर हमारे चैनल पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड पैन कार्ड में अगर आपका नाम गलत आया है या फिर आपका नाम जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सभी लोग ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर साइबर कैफे में जाके काम कराते हैं। बट फ्रेंड हम जो आज प्रोसेस बताएंगे उस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो आप घर बैठे ही आप सारे काम कर पाएंगे। ये काम करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और फ्रेंड आप जो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करेंगे और वो सबमिट करने के एक महीने बाद आप देखेंगे आपकी जो पैन कार्ड का चेंजेस वगैरह है वो चेंजेस वगैरह हो गया है, और इसके लिए आपको 110 रुपया देना पड़ेगा अगर आप इंडियन हैं तो। और ये आप दे सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के मदद से। अगर फ्रेंड आप इंडिया के किसी बाहर कंट्री में रहते हैं तो इस प्रोसेस के लिए आपको देना पड़ेगा 1020 रुपया। फ्रेंड ऑनलाइन जब पैन कार्ड की चेंजेस वगैरह करने के लिए अपने कंप्यूटर में इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे NSDL का एक लोगो दे रखा है, और फ्रेंड नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है गाइडलाइन। तो सिंपली आपको ये गाइडलाइन स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो फोटो अपलोड करेंगे उस फोटो का कलर क्या होगा, कितने DPI कितने रेगुलेशन में होगा और क्या साइज होगा, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद देखिए नीचे आपको कितना फी देना पड़ेगा, वो सारे चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप ये जो फॉर्म कार्ड का चेंजेस वगैरह है वो करिए। फ्रेंड इस पेज का जो लिंक है ये लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रखेंगे, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट ओपन कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रखे है अप्लाई फॉर चेंजेस और करेक्शन इन पैन डेटा, यानी अपने पैन कार्ड का जो चेंजेस और करेक्शन है वो आप यहीं से कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी दे रखे है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इनविजुअल को आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही इनविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रखे है सिलेक्ट, तो सिंपली आपको इस सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने ऐसा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सिंपली फ्रेंड इस फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं जो रेड मार्क दे रखे हैं वो आपको फिल करने ही करने हैं। अगर आप रेड मार्क को फिल नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड इस फॉर्म को फिलअप करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन चला जाएगा पेमेंट ऑप्शन।
सिंपली प्रीवेंट ऑप्शन में आप देखेंगे बहुत सारे मेथड अवेलेबल है, जो भी मेथड में आप देना चाहते हैं आप वैसे दे सकते हैं। फ्रेंड ये पेमेंट देने के एक महीने बाद आप देखेंगे कि आपका जो पैन कार्ड में चेंजेस वगैरह है वो चेंजेस वगैरह हो गया है। तो फ्रेंड आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ही आप अपने पैन कार्ड को चेंज कर सकते हैं। अब अगर फ्रेंड फिर भी आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। तो ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।